उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत झारखंड के लिए अगले 2-3 दिन मुश्किलों भरा रहेगा। झारखंड भी हीट वेव के चपेट में है, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा दर्ज किया जाएगा, साथ ही साथ लू के थपेरे आम लोगों को और जो बाहर निकलने वाले कम्यूटर्स हैं उनके लिए परेशानियों का सबब बना रहेगा। इस वक्त हमारे साथ एससी मंडल जी हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, आईएमडी झारखंड चैप्टर के, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि किस तरह का मौसम का मिजाज रहेगा, 2-3 दिन जो है किस तरह से आगाह करना चाहेंगे लोगों को? देखिए, पिछले हम 2-3 दिन पहले से ही हम लोग जो मौसम बुलेटिन में ये जानकारी देते आ रहे हैं कि 29 तारीख से ही हीट वेव के चपेट में झारखंड आ जाएगा। तो आज जैसे 30 तारीख है, तो पिछले 24 घंटे में जो झारखंड में लू की स्थिति बनी रही, खासकर नॉर्थ वेस्ट सेक्टर जो है झारखंड के, गढ़वा और पलामू जिले, तो उसमें लू की स्थिति बनी रही। अब अगला 3 दिन जो है 30, 31 और 1, इन तीनों दिनों में के दौरान भी लू चलने की संभावना है झारखंड स्टेट में। हाँ। और वो खास करके जिले जो हैं, ये आपका नॉर्थ वेस्ट जो भाग है, जैसे डाल्टनगंज, पलामू, चतरा, गढ़वा, फिर साउथ झारखंड के कुछ जिले जैसे आपका हो गया ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, और कल कुछ ईस्टर्न पार्ट में भी जैसे बोकारो, धनबाद, वहां भी लू की स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अगला 3 दिन झारखंड में कहीं कहीं लू की स्थिति बनी रहेगी, चौथे दिन से स्थिति में सुधार होगी और पांचवें दिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट झारखंड के पार्ट हैं जैसे दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, वहां पर आंशिक बादलों के साथ बारिश की भी संभावना है। मतलब 4 दिन बाद ही राहत मिल सकता है। हाँ, 4 दिन के बाद। अच्छा, ये अचानक से जो है, मार्च महीना में कभी भी लू जो है नहीं चलता था, कुछ वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है, क्यों है इसका एकाध कारण? अगर देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्च में लू नहीं चला है, पिछले साल भी, पिछले 5 साल का मेरे पास जो डाटा के अनुसार, पिछले साल भी लू की स्थिति मार्च के अंतिम सप्ताह में, खास के 27 से 31 तारीख के बीच में लू की स्थिति 1-2 दिन बनी है। तो ऐसा नहीं है कि मार्च में लू नहीं चलती है, तो ऐसी बनी हुई थी। जहां तक जो है कि अभी क्या स्थिति बनी है, तो जैसा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव अभी झारखंड में इस बार थोड़ी कम रही है, और क्या कहते हैं, गर्म पछुआ हवा जो आ रही है पश्चिम की तरफ से, और झारखंड से पश्चिम के जितने भी राज्य हैं सटे हुए, जैसे आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, एमपी, गुजरात, ऑलरेडी 2-3 दिन पहले से ही लू के चपेट में आ चुके हैं। चूंकि हवा वहां उधर से ही आ रही है, तो स्वाभाविक है कि झारखंड भी इस गर्म हवा के चपेट में आ गए हैं। धन्यवाद सर, हमसे बात करने। तो एससी मंडल जी, साफ तौर से कहना है कि अगले 3 दिन राहत की उम्मीद करना बेमानी है। लू के थपेड़े जो बाहर निकल रहे हैं लोग, उनको बर्दाश्त करना होगा और सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वो बाहर निकलते हैं, जो एहतियात है उसको लेकर चलना पड़ेगा, और गर्मी के दिन में बाहर निकलने के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको स्टिक करना पड़ेगा उनको। क्या झारखंड हीट वेव के चपेट में है और अलग अलग तरीके से हीट को बीट करने का कोशिश लोग कर रहे हैं जो सड़कों पे निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये एक सिकंजी है ना, सिकंजी बनाकर देते हैं ये, तो बर्फ वगैरह डाला रहता है, राहत मिलता है इससे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? आशीष मिश्रा। तो आप लोग पानी पिए आके? हाँ। कैसे दे रहे हैं ग्लास? ये 10 रुपए ग्लास। 10 रुपए ग्लास। हाँ। और क्या क्या डालते हैं उसके अंदर? नींबू, मसाला और ठंडा पानी रहता है, चीनी। तो इससे क्या मतलब डिहाइड्रेट नहीं होने देता है? हाँ। नींबू अगर जा रहा है तो अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग है। हाँ। अब कुछ देर आप आराम से काम है। हाँ, बहुत अच्छा है। जहाँ जा रहे हैं आराम से एक आध घंटा, कोई परेशानी नहीं। आपने भी लिया स्वाद? हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है। और रिफ्रेशिंग कितना, मतलब ताकत वगैरह दे रहा है इससे? नहीं, रिफ्रेशिंग वैसा तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा पानी का वो थोड़ा आ जाता है, शरीर के पानी को रिलीज करता है। ये देखिए, लोग जो है अलग अलग तरीकों से शरीर को हाइड्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप पीछे देख सकते हैं गन्ना का भी जो है शॉप है, यहाँ पे देखिए, वहाँ उसको जो है गन्ना का जूस यहाँ पे जो है बेचा जा रहा है। और ये सारे बिजनेस जो है सीजनल है, ये डिनोट कर रहे हैं कि गर्मी बढ़ गया है,
और लोगों का यहाँ पास में आना ये बता रहा है कि गर्मी है और उससे बचने के लिए लोग ये तरीके अपना रहे हैं, ये तरीके अख्तियार कर रहे हैं ताकि शरीर का उनका पानी जो है वो बरकरार रहे, रिस्टोर रहे। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं। अंकल ये कब गर्मी में ही लगाते, क्या नाम हुआ? ये कल से लगा रहे सर। हाँ कल से लगा रहे हैं, कल से मतलब मंगलवार से। हाँ कल से लगा रहे हैं। अच्छा तो ये कब कब लगाते हैं, साल में कितने महीने लगाते हैं? हम पहली बार कल से लगा रहे हैं। हम कचहरी चौक में थे और थाना भाड़ा देते थे उस समय थे, दुकान दौरी नहीं मिला, फुटपाथ आ रहा है और लड़का हमको बैठवाया है तो कल से हम आ रहे हैं। यही काम करते यार और हम फल का धंधा करते थे, दुकान दौरी नहीं मिला। अच्छा दुकान दौरी नहीं मिला तो लास्ट में लड़का बैठाया तो कल से हम यहाँ। ये कैसा चल रहा है अभी, कैसा चल रहा है? कल से चल रहा है 700-600 रुपए दुकानदारी कर रहे हैं। 700 रुपए का दुकानदारी, 600-700 रुपए की दुकानदारी हो जाए इसी वजह से। हाँ गर्मी के कारण बस एक दो महीना के बाद में कहाँ से चलिए सर। ठीक एक दो महीना। आप क्या करती हैं मैडम? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, ये हाइड्रेट कर रहा है, अच्छा लग रहा है ये पीने में। हाँ शरीर में कुछ कम से कम थोड़ी देर रिफ्रेश करेगा। हाँ अच्छा है, सस्टेन करने के लिए हाइड्रेटेड रहेगा बॉडी, हाइड्रेटेड रहेगा। ठीक स्टूडेंट है, ये भी कह रही है कि एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपने शरीर को हाइड्रेट कर सकते हैं और तीन दिन कम से कम जो है 3 से 4 दिन पूरा झारखंड हीट वेव के चपेट में है। अन्य राज्यों के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, 4 दिन तक कोई राहत नहीं मिलना है। उसके बाद ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ा बहुत वेट स्पेल देखने को मिल सकता है, वो भी कुछ इलाकों में। यानी फिलहाल 3-4 दिन राहत की उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है और हीट वेव को ब्रेव आउट करना पड़ेगा लोगों को। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।